अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज की वीडियो जो है ज़रा हटके है। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ हॉट चॉकलेट बॉम्ब्स। बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी है। मैं बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हूँ। ऑफकोर्स आपको कोई भी वैरायटीज़ में यूज़ करनी है इंग्रेडिएंट्स की जो आप लोगों के पास इजीली अवेलेबल हो, आप लोग चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। मैं जो है वो हॉट चॉकलेट टिम हॉर्टन्स की यूज़ कर रही हूँ। आप लोग किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। मैं वाइट चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ। इसके लिए ये जो है हमारा मोल्ड है सिलिकॉन का, काफ़ी इजी होता है ये स्लाइड जो है इसे हो जाते हैं इजीली। ये मार्शमेलोज़ हैं, हॉट चॉकलेट्स हैं, चॉकलेट सिरप है जो कि हम सबसे लास्ट में यूज़ करेंगे। ये मिक्सिंग वगैरह के लिए बोल हैं। तो जनाब, ये जो है सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें आज की रेसिपी में रिक्वायर होंगे। अब ये जो है मैंने हाफ जो है बार चॉकलेट की वो माइक्रोवेव में मेल्ट कर ली है। तो ये देखिए कंसिस्टेंसी जो है वो इस तरह की इसकी होनी चाहिए। 30 सेकंड्स पहले आप चॉकलेट मेल्ट करें, उसको निकाल के फिर देखें, चेक करते रहना है आपको चॉकलेट को, क्योंकि वो एकदम से अगर ज़्यादा उसको हीट लगे तो वो एकदम से हार्ड हो जाती है। तो बस आप लोगों को ये है कि चेक करते रहना है कि कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए, थोड़ी रनी सी जो है वो होनी चाहिए ना, ताकि ईजीली वो स्प्रेडेबल हो। और ये मोल्ड है हमारा, स्पून की मदद से जो है अब वो मैं सारी चॉकलेट को जो है वो इस मोल्ड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। आप मेक श्योर करें कोई भी जो है वो जगह मतलब खाली नहीं रहे, फिर वहाँ से जो है वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगी जो आपकी चॉकलेट बॉम होगी, बॉल जो बना रहे हैं। तो बस ये मेक श्योर करना है कि प्रॉपर तरीके से जो है वो सारे साइड्स और कॉर्नर जो हैं उसके कवर हो जाएँ। ये जो है अब मैं अपना सेकंड वाला जो है वो कर रही हूँ। हाँ जी, तो ये देखिए अब ये सारे जो हैं वो मोल्ड्स कम्प्लीटली कवर हो गए हैं चॉकलेट के साथ। अब इसको जो है हम लोग फ्रीज़र में रखेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। लेकिन फिर भी एक दफ़ा आपने ज़रूर चेक कर लेना है कि बिल्कुल प्रॉपरली जो है वो जम गए हैं। ये जो है मैंने आफ्टर 10 मिनट्स निकाले हैं और ये परफेक्टली जो है वो मतलब कि सॉलिड फॉर्म में आ चुके थे बॉल जो है हमारी। अब इसको बहुत ही केयरफुली जो है हमने मोल्ड को इस तरह से स्लाइड जो है वो करना है और बॉल जो है वो निकालनी है अपनी जो है एक प्लेट में। बहुत ही वैसे इजीली जो है वो मतलब बिल्कुल निकल के आ रही थी ये बॉल जो है। साइड्स वगैरह बहुत लाइक बिल्कुल क्लीन नहीं होंगी, विच इज़ फाइन, क्योंकि बाद में जो है वो आपको असेंबल करना है तो इनको बंद करना है, तो वो कोई इतना समझे कि पता नहीं चलेगा। तो इस तरह भी ठीक है, फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, फर्स्ट टाइम ट्राई है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। चलें जी, अब ये हमारी बॉल जो है वो रेडी हैं। अब हम इसकी असेंबली शुरू करेंगे। तो पहले जो है थोड़ी सी हॉट चॉकलेट उसके अंदर डालें, फिर जो है मार्शमेलोज अब हम डालेंगे। बाकी अगर कोई और आपके बच्चों को चीज़ पसंद है इसमें स्प्रिंकल्स वगैरह, बच्चों की काफ़ी जो है वो चॉइसेस चेंज भी होती रहती है, तो जो आपके बच्चों को पसंद हैं चीज़ें वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बड़ों के लिए बना रहे हैं तो बड़े तो ये है कि वैसे नॉर्मली ये यही दो चीज़ें जो है वो प्रेफर करते हैं। अब जो है इसमें ये सब चीज़ें डाल के अब जो सेकंड वाला जो हमारा बॉल होगा उसको हम जो है इस तरह मेल्टेड चॉकलेट उसके साइड्स पे कॉर्नर्स पे सारी लगा के फिर जल्दी से जो है हमें इसको बंद करना है और साइड्स जो हैं इसकी क्लीन करनी है, क्योंकि ज़ाहिर है आपके हाथ जो हैं वो ज़रा टेम्परेचर गर्म होता है तो चॉकलेट जो है वो बड़ी जल्दी से मेल्ट हो रही थी। तो बस थोड़ा जल्दी जल्दी ये है कि असेंबली इसकी करनी है, फिर वापस इसको जो है हमने फ्रीज़र में जल्दी से रख देना है ताकि वो जो है शेप उसकी बॉल्स की जो है वो ख़राब नहीं हो। तो ये मैं अब बना रही हूँ एक एक करके। चलें जी, हमारी अब ये चारों बॉल्स जो हैं वो रेडी हैं। तो अब जो है वो मैंने थोड़ी सी वाइट चॉकलेट बॉल में सेम जैसे मैंने ब्राउन चॉकलेट पहले की थी मिल्क चॉकलेट, अब उसको रिजल्ट जो है मैं थोड़ा सा कर रही हूँ वाइट चॉकलेट को माइक्रोवेव में सेम उसी तरीके से मेल्ट करके। इस तरह से अब हमने जल्दी जल्दी जो है इसके ऊपर थोड़े से ड्रिजल करने हैं। बड़ा अच्छा सा नाइस सा डिज़ाइन भी बन गया था और थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा लग रहा था। फिर जैसे इसको आप ये कवर कर देंगे फिर फ़ौरन आपने फ्रीज़र में इसको वापस डालना है।
चलें जी, अब हमारी बॉल जो है वो रेडी हैं, फ्रीज़र से निकल आई हैं। अब जो है हम इनको फाइनल स्टेजेस की तरफ लेके जा रहे हैं। दूध जो है मैंने बॉईल कर लिया था, तो बस उबलता हुआ जो है वो दूध ऊपर से आप लोगों ने आराम आराम से इसके ऊपर डालना है। बॉल जो हैं वो एकदम से, क्योंकि गर्म दूध है तो वो बॉल्स एकदम से ओपन हो जाएंगी, उसमें से मार्शमेलोज और हॉट चॉकलेट जो है वो दूध में जो है वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएंगे। तो बड़ा ज़बरदस्त सा लग रहा था। ये देखें जनाब, बहुत बच्चों को पसंद आया, बड़ों को भी ज़रूर पसंद आएगा। स्पेशली सर्दियों में जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त सी ड्रिंक होती है। वीकेंड हो, अच्छी सी मूवी हो, और यह है कि आप ये बनाएं, ज़रूर इन्जॉय करिएगा अपनी फैमिली के साथ। मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी। तो अब जो है वो अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए जनाब, अब ये दोनों जो हैं वो कप्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं, हॉट चॉकलेट, मिल्क, मार्शमेलोज। अब ये जो है मैंने ज़रा एडिशनल थोड़ा सा किया था, मेरे बच्चों को क्रीम और चॉकलेट जो है वो बहुत पसंद है, तो अब ये व्हिप्ड जो है वो क्रीम मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। आप लोगों की मर्ज़ी है, अगर आप ऐसे ही पीना चाहें तो ये ऐसे ही भी बहुत मज़े की लगेगी, और ये कि अगर थोड़ा और इसको क्रीमी और चॉकलेटी टच देना चाहें तो वाई नॉट। अब ये चॉकलेट ड्रिजल हो रहा है जी यहाँ पर, बच्चे जो है वो दूर से खड़े होके बड़े उससे देख रहे थे। ये देखिए जनाब, तो ये हमारे हॉट चॉकलेट मार्शमेलो बॉम्ब्स जो हैं वो रेडी हैं। ये उसके साथ बड़ी ही ज़बरदस्त सी ड्रिंक बन गई है। ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा मुझे, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। एंटिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।